नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइवस्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। पिछले सप्ताह ही आपने देखा कैसे आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाकर। अब जो उनके संघर्ष में साथ रहने वाले लोग हैं, जो आरसीपी सिंह के गुट वाले लोग हैं, वो भी अब धीरे धीरे बीजेपी की ओर बढ़ेंगे और बीजेपी में ही शामिल होंगे, ये बात पक्की है। देखिए, 18 तारीख को आरसीपी सिंह पटना पहुंच रहे हैं और उस दिन ही बीजेपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर मिलन समारोह होगा। यानी कि आरसीपी सिंह के साथ चलने वाले जितने लोग हैं, जैसे कि आप ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं कई जगह पर। कन्हैया सिंह जो कि शिक्षाविद है, वो भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे 18 मई को, और इसकी तैयारियाँ जो है शुरू कर दी गई हैं। इन दिनों आप देख रहे हैं बीजेपी में मिलन समारोह खूब कराए जा रहे हैं। चाहे पिछले दिनों कैसे आपने देखा, सुहेली मेहता ने बीजेपी का दामन थामा जेडीयू छोड़ के, उसके बाद फिर डॉक्टर अजय आलोक भी चले गए बीजेपी में, आरसीपी सिंह गए, अब कन्हैया सिंह जाएंगे और आरसीपी सिंह के साथ रहने वाले तमाम जितने लोग हैं वो सब बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। 18 तारीख को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे आरसीपी सिंह। पहली बार पटना जब आएंगे तो बीजेपी दफ्तर वो जाएंगे। उस दौरान सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे, साथ साथ कई जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। बिहार के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी बीजेपी ऑफिस में। अब देखना यह है कि तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और अब एक मिलन समारोह होना है 18 तारीख को, समय भी मुकर्रर कर दी गई है। शिक्षाविद है कन्हैया सिंह, वो भी अब बीजेपी का दामन ही थामेंगे। देखिए, अब अगर बात हम आगे लोकसभा चुनाव की करें तो लोकसभा चुनाव में भी आरसीपी सिंह खुद कहाँ से लड़ेंगे, चर्चा है कि वो नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी में चुनाव लड़ाएगी ही लड़ाएगी, या फिर मुंगेर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुंगेर जहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ते रहे, मौजूदा समय में वहाँ से सांसद हैं, पहले भी वहाँ से जीते रहे हैं, तो ऐसे में मुंगेर से आरसीपी सिंह क्या सीधा ललन सिंह को टक्कर देंगे बीजेपी के टिकट पर, या फिर नालंदा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। और आरसीपी सिंह के साथ जो रहने वाले जितने लोग हैं, क्या वे भी बीजेपी में जब जा रहे हैं तो उनमें से भी कईयों के लिए एडजस्टमेंट की बात होगी, देखना होगा। क्योंकि बीजेपी एक बड़ा समुद्र है, वहाँ पर एडजस्टमेंट की बात काफ़ी कठिन समय में होती है, काफ़ी कठिनाई से होती है। और फिलहाल तो चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ जाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है। तो ऐसे में किसको कितनी सीटें मिलेगी, किसे कहाँ से लड़ा जाएगा, ये बीजेपी के लिए कैसे कहते तो बड़ी चुनौती है, बड़ा टास्क है। और इस बड़े टास्क को बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करेगी। अब देखना यह है कि तमाम जितने उनके संघर्ष में रहने वाले लोग हैं, आरसीपी सिंह उन्हें जगह कहाँ दिला पाते हैं, क्या किसी एक को लोकसभा में और कहीं जगह मिलती है, कन्हैया सिंह की चर्चा होती है लेकिन, या फिर विधानसभा में सेटलमेंट होता है, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। इन तमाम बातों पर फिलहाल कोई ऐसी बात निकल के आई भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इस बात की चर्चा होती है। लेकिन आरसीपी सिंह 18 तारीख को जब बिहार पहुंचेंगे, भव्य स्वागत होगा, देखना होगा उस दिन नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलते हैं, और मिलन समारोह भी तो होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।